साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। आपको याद होगा, देश आजाद हुआ तब से सेना की हर खरीद में घोटाले करने वाली कांग्रेस कभी भी यहां डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकती। बीजेपी की वजह से अब हमारा यूपी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। कुछ दिन पहले ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात की है। आने वाले दिनों में ये घातक ब्रह्मोस, ये मिसाइल भी हमारे यूपी में बनेगी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ब्रह्मोस मिसाइल बने यहां, कौन होगा जिसको गर्व नहीं होगा? भाइयों, साथियों, डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही इस क्षेत्र के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी ताकत है। मालगाड़ियों के लिए जो अलग रूट बनाया गया है, इससे यहां दूसरे उद्योगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अलीगढ़, हाथरस और आसपास के छोटे लघु और कुटीर उद्योग, ये सभी विकसित भारत की ऊर्जा है। आपके काम को बढ़ावा मिले, इसलिए योगी जी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर, और अब पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर बल दिया जा रहा है।